गाइस देख वेलकम टू अवर चैनल। बड़ी भी आ गया हमारे साथ क्यू एन ए में। बड़ी जाइए हमारा करेगा क्या बड़ी है? बड़ी कौन सा करेगा? तो चलो गाइस आपका क्यू एन ए शुरू करते हैं। बहुत ही मस्त मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, सो हमने थोड़े से पिक करे। लेट्स सी कितने कर पाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाहेंगे हम लोग। तो लेट्स गेट टू द बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन है द सिंड्रेला का। वाओ, विल यू एवर विजिट इंडिया? बताइए शिल्पा, आप बताइए। हाँ, हम तो अभी ऑलरेडी गए हुए कितनी बारी, और अब क्या प्लान है हमारा? तो कब से प्लान है एक्चुअली, 2020 में आ रहे थे हम लोग, फ्लाइट्स बुक थी। हाँ, फरवरी 2020 में आ रहे थे, और तभी कोविड भी आ गया, तो कोविड बाजी मार गया, हम लोग हार गए उस टाइम पे, तो हमें फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी सब। फिर उसके बाद उन्होंने विल यू एवर विजिट इंडिया, पुराना मत बताओ। हाँ, तो ऑफ कोर्स अभी रजत के पेरेंट्स ही वहाँ रहते हैं अभी, तो आना तो है, बस बन नहीं रहा। जब भी इस साल के एंड में प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी कैसे रहता है। सोच रहे हैं इस साल के एंड में जरूर आएंगे, तो होपफुली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दोबारा कोविड का कोई वो नहीं आना चाहिए। कोई और। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकेश नायक कहते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन। गाइस सबसे 80% क्वेश्चन तो यही पूछे गए भाई कि भाई बेबी कब हो रहा है आपका, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो पिक करना ही करना है। 80% क्वेश्चन जो हमें पूछे गए हैं उनमें से यही है कि बेबी कब हो रहा है। तो गाइज थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, बट अभी कोई मे बी नहीं है, जब होगा तो आपको ऑब्वियसली पता लगेगा वीडियोस के थ्रू, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ही बताएंगे आप लोगों को, तो बस अभी इस टाइम पे इतना ही बोल सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये बड़ी के बाल लगे जा रहे हैं, मैं तो बड़ी को अभी नाइन ही कराई है ना हमने, कल नाइन ही कराई थी, तो ना बाल ज़्यादा निकल रहे हैं आज। ड्रीम इट, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन यू गाइज एंड वेयर एंड व्हेन यू बोथ गॉट मैरिड? Love to you both and super dog buddy. ये तो age difference, age difference हम दोनों का तो 3 साल का है, शिल्पा और मेरा। अब age नहीं होता ना, सिर्फ difference। Difference होता है। अच्छा अच्छा। Age थोड़ा पूछी है। अच्छा अच्छा। सिर्फ difference। तो 3 साल का difference है। ये भी बहुत game खेल रही है। कह रही है age नहीं बताएंगे, but difference बताएंगे। रजत 3 साल बड़े हैं, बता दो ना। और when married 2015 में और इंडिया में, दिल्ली में, दिल्ली में। November में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप पत्थर का, हाउ मैनी ईयर्स पास्ट लिविंग इन US? ये दोनों का थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर होगा। मेरा तो है 2012 से लेकर 2022, जो कि कंप्लीट होने वाला है, 10 साल होने वाला है मुझे। और मेरा 2007 से, तो 15 साल शिल्पा को, मुझे 10, शिल्पा को 15, बड़ी को 2। US में या फिर पूरी अर्थ में? है बेबी वर्ल्ड में। चलो अगला क्वेश्चन, देविका सेन, आर यू मोर और लेस प्लानिंग टू सेटल डाउन इन टेक्सास एंड हाउ इज योर सर्च फॉर द न्यू होम गोइंग? तो प्लानिंग तो बिल्कुल टेक्सास में ही प्लान है सेटल होने का अभी तो, अनलेस समथिंग चेंजेस, बट कैलिफोर्निया से इतनी मेहनत करके आए हैं अभी तो टेक्सास में ही प्लान है अभी तो। ऑब्वियसली हर स्टेट के अप एंड डाउन होते हैं, टेक्सास का भी अप एंड डाउन है, कैलिफोर्निया के भी अप एंड डाउन थे, पर सो फार सो गुड, वी आर प्लानिंग टू सेटल डाउन इन टेक्सास। और हाउस सर्च अभी थोड़ा सा होल्ड पर है, क्योंकि इस घर में जिसमें हम रह रहे हैं, एक साल की लीज़ तो होती है ना मिनिमम, तो पहले हम सोच रहे थे कि निकल जाएंगे और किसी और को सब लीज़ दे देंगे, मतलब किसी और को ये लीज़ चढ़ा देंगे, हम लोग निकल जाएंगे पहले ही, पर अब सोच रहे हैं अब सेप्टेम्बर में एक्सपायर हो ही रही है लीज़, दो तीन महीने की बात है, क्यों इतनी मेहनत करना, तो और 2 महीने बाद घर देखेंगे। तो हम देख तो रहे हैं घर, बट ऐसे नहीं है कि भी जाके, हाँ अभी जाके देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो सच ये प्लान है। तो आई मीन अनलेस कुछ अचानक से मिल जाता है तो यू नेवर नो, बट अभी तक तो कुछ ऐसा अभी, हाँ लाइक सब लीज करने की इंटेंशन नहीं ले रहे कि अब किसी और को दो, फिर लैंडलॉर्ड से बात करके उसको दो, अभी क्या पूरी लीज कंप्लीट कर ही जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व शर्मा का, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली तो कैलिफोर्निया में, और मेरी फैमिली बैंगलोर में। हम लोग दिल्ली से थे इनिशियली, पर अभी सब लोग बैंगलोर में रहते हैं, तो जब इंडिया आना हो तो दिल्ली एंड बैंगलोर तो टॉप स्पॉट्स हैं विजिट करने के, और बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। ओके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया ये वाला लेते हैं, सचिन कदम का, व्हेन यू ब्रिंग अ न्यू डॉग फॉर बडी एंड विच ब्रीड? चलो एक एक करके आंसर देते हैं। तो न्यू डॉग फॉर बडी तो अभी थोड़ा सा होल्ड पर है, ये भी सो गए थे ना क्योंकि इस घर में ना गाइस लीज में हमारा ये भी एक और रिस्ट्रिक्शन है कि इस घर में एक ही डॉग रह सकता है, तो जब हम लोग इस घर में आए थे तब लैंडलॉर्ड ने बोला था कोई डॉग अलाउड नहीं है, वो तो बात करके वो मान गया कि एक डॉग अलाउड है, तो अभी दूसरा डॉग तो आ नहीं सकता,
तो इस घर में एक ही डॉग अलाउड है, तो इसलिए भी हम जब नेक्स्ट घर में जाएंगे तब देखते हैं कि क्या करना है। ब्रीड भी पूछी है, ब्रीड गोल्डन। ओके, we'll see about that, but अभी तक तो ये तो I think सबको पता है कि हमारी हमेशा से फाइट है कि कौन सा ब्रीड होगा। When are you coming to India? ये तो अभी प्लान, अभी बताया आपको कि प्लान है इस साल के एंड में आने का। प्लीज शो रजत सर फैमिली मेंबर्स इन YouTube चैनल, ये बिल्कुल तभी गाइस तभी रिवील करेंगे जब एक्चुअली दिखाया हुआ है पर अभी नहीं जब तभी बताएंगे जब रिवील करेंगे प्रॉपर जब इंडिया आएंगे। हां वैसे मैं एक बार दिखा चुका हूं एक वीडियो में, पुरानी वीडियो है जिसमें। हां तो व्हिच कलर इज योर फेवरेट बताओ? ब्लू। क्यों लड़के हो इसलिए? तुम्हारा पिंक? नहीं मेरा सच कोई फेवरेट कलर नहीं है क्योंकि ठीक है मेरे को सारे कलर अच्छे लगते हैं। और बड़ी का येलो एंड ब्लू, क्योंकि बड़ी को येलो ब्लू नहीं लगते हैं बस। आई थिंक मुझे रेड पसंद। रेड पसंद है? चेंज कर रहे हो तुम लोग? नहीं मुझे रेड पसंद। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्र ढिल्लन, व्हिच टाइप ऑफ जॉब्स यू गाइस आर डूइंग फॉर लिविंग? तो शिल्पा बताएंगे पहले। YouTube लिविंग के लिए शिल्पा। हां तो लिविंग के लिए YouTube से लिविंग नहीं होती हमारी। आई एम मेडिकल बिलर। ये मेडिकल फील्ड में काम करती है और मैं सिक्योरिटी में काम करता हूँ। आई एम अ सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा सीनियर मैनेजर बोलना जरूरी है? मैंने तो नहीं अपना बोला कि असिस्टेंट मैनेजर है, अपना सीनियर मैनेजर बोलना जरूरी है। थोड़ा सा असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल बिलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। होत्री शर्मा, आपने यूएस जाने का क्यों सोचा? बचपन से ही वहाँ जॉब करने का मन था क्या? बचपन का ड्रीम था आपका है? मैं बड़ा होकर यूएस जाऊँगा, मैं बड़ा होकर। गाइस ऐसा तो नहीं था बट एक अपॉर्चुनिटी मिली। यूजली क्या होता है इंडिया में आईटी कंपनीज में जब आप काम करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऑन साइड जाने की, तो ऑन साइड जाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑब्वियसली मना तो कोई नहीं करता, तो मैंने ले लिया। बट फिर अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी निकलती रही तो ऐसा ही हुआ कि बस फिर कभी वापस नहीं जाना हुआ, तो यहीं पर ही सेटल डेप अपना। और मेरा तो भी मेरी फैमिली यहाँ आई है, सारे इकट्ठे ही आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब के थ्रू आई हूँ, तो फिर इस वजह से। तो शिल्पा ने सोचा था कि जब मैं जाऊँगी यूएस में तो मुझे रजत नाम के लड़के से शादी करनी होगी, मुझे वहाँ ढूंढूंगी, तो इसका बचपन का ड्रीम था। क्या शादी कर रजत से शादी करने का? हमें बचपन में ऐसे करते रजत से शादी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत गेमिंग, भैया आप जब यूएस में न्यू आए थे तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थे, ऑब्वियसली कुछ नई जगह होती है तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी नर्वस होते हो या थोड़ा सा न्यू जगह का वो होता है बस। और आप तो अकेले थे ना? हाँ मैं अकेला था, मैं रूममेट्स के साथ रहता था जो वो भी इंडियंस थे, तो उनसे काफी हेल्प मिल गई थी। रूममेट से पहले मिले थे? नहीं ना, पहले वो मेरी पिछली कंपनी का था। हाँ तो जानते थे मतलब पहले से, तो उनसे काफी हेल्प हो गई थी। बट आई थिंक जो प्रॉब्लम ऐसा फेस करी थी वो बस यही होगी कि शुरू में एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम होती थी लोगों की। जैसे हर तरह के लोग हैं यूएस में, ब्लैक पीपल, चाइनीज पीपल, गोरे हैं ऑब्वियसली, मैक्सिकन पीपल, तो और हम खुद इंडियंस भी हैं, तो सबके ना एक्सेंट इंग्लिश बोलने के अलग अलग होते थे। तो मे बी शुरू में ना बस थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका स्टेल्स, इफ वर्क फ्रॉम होम स्टॉप्स फॉर बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू गोना मैनेज बॉडी? तो इसका तो प्रियंका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास कि हम दोनों ने ना परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पकड़ रखी हैं हमारी, तो हम दोनों की है ही परमानेंट, और इसलिए वो कभी परमानेंट खत्म होने नहीं वाली है। तो बड़ी कभी अकेला हो गई नहीं, हम अकेला रहने तो हमने जानबूझ के परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लिए हैं कि बड़ी को अकेला रहेंगे रहने ही नहीं देंगे हम लोग, और इनके कभी जॉब चेंज करते हैं तो हम फिर से परमानेंट वाली पकड़ेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता किसी के लिए, अगर कोई अकेले छोड़ के जाना पड़ता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता ही है। आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जाओ और बीच में आके चेक कर लो एक बारी, या फिर कैमरास लगाओ घर पे, या फिर थोड़ा सा तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि डॉग को 10-12 घंटे अकेला छोड़ना तो ज़्यादा हो जाता है। वही बेटर है ना कि अगर कोई घर में फैमिली मेंबर फैमिली हो तो टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन निवास यादव, प्लीज वॉच 40777 एंड शेयर एक्सपीरियंस। गाइस ये क्वेश्चन मैं ज़रूर लेना चाहता था क्योंकि चार्ली मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत वेट कर रहे हैं। ट्रेलर देखा था, ट्रेलर से हम एक्साइटेड थे, अभी भी एक्साइटेड है। पर यूएस में सिर्फ कन्नड़ा में ही रिलीज हुई है और मैं 2.5-3 घंटे की मूवी मैं सब टाइटल के साथ नहीं देख सकता, मुझे एटलीस्ट हिंदी में तो चाहिए। फील नहीं आती ना आप सब इतना समझ नहीं आएगा सिर्फ टाइटल, 2.5 घंटे की पिक्चर सब टाइटल पढ़ के तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए एटलीस्ट हिंदी में चाहिए। मैं बाय करने को तैयार हूँ, कहीं पर ऑनलाइन मिल जाए
मैं बाय करने को तैयार हूँ, नेटफ्लिक्स पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, अमेजोन पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, मैं बाय करने को भी तैयार हूँ, पर मिल ही नहीं रही। अब एक ही ऑप्शन है, या तो हम पायरेटेड देख लें, जो कि मैं पायरेटेड ऑनलाइन मिल ही जाएगी, पर मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पायरेट नहीं देख रहा हूँ। बट आई गेस जब आएगी तो तब तक बहुत लेट ना हो जाए, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशु शर्मा का, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Hi guys, it's amazing watching buddy grow into handsome hunk. Yeah. My question with request Q&A with regards to Q&A was, with all due respect, why do you guys consider leaving buddy behind if there are places where buddy is not welcomed? Then why even bother going to there? Go to places where he'll be happily welcomed. The world is too big to go to places where your dog baby won't be welcomed. Consider this. If you had your human baby and there was a restaurant in Texas where he wasn't welcomed, or someone's house, would you still go there? Hell no, right? Right? Mm-hmm. So, अच्छा question है आपका दिगांशु, but मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि the world is not the same for dog and human baby. इन दोनों species को कभी compare करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि they are not equal. इनको सिर्फ आप तभी कंपेयर करें जब आप कहते हैं कि मैं दोनों को प्यार करता हूँ। आप डॉग को प्यार करें, आप ह्यूमन बेबी को प्यार करें, तब मैं मानता हूँ आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। पर बाकी हर चीज़ में कंपेयर करना इज़ नॉट ए सेंसिबल थिंग। कि लेट्स से अगर आप कहते हैं कि भाई ऐसी जगह क्यों ही जाना कि जहाँ पर डॉग इसे एक्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि अगर ह्यूमन बेबी एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ऐसे डॉग के केस में क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई डॉग फिर भी किसी को हर्ट कर सकता है, डॉग किसी को बीमारी फैला सकता है, काट सकता है, राइट, भौंक 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 सकता है, और काफ़ी कुछ कर सकता है डॉग। क्या ह्यूमन बेबी किसी को परेशान कर सकता है? आई मीन सिर्फ रो सकता है बस। क्या ह्यूमन बेबी किसी को काट सकता है, इंजर कर सकता है? क्या ह्यूमन बेबी किसी को कोई ऐसी रेबीज की गंदी जैसी कोई बीमारी फैला सकता है जिससे कोई मर जाए? आई डोंट थिंक सो, राइट। तो वर्ल्ड इज नॉट द सेम फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ आपका एक बहुत इमोशनल सा पॉइंट है कि ऐसी जगह मत जाएं जहाँ पे डॉग नहीं जाता, पर क्या ऐसी आप क्या अपनी लाइफ रोक सकते हैं ऐसी चीज़ के लिए? फ्लाइट में डॉग जा सकते हैं पर मुश्किल होता है इनके लिए, बहुत सारी जगह पे डॉग नहीं जा सकते, तो क्या फिर आप नहीं जाएंगे? क्या आप अपने आप की आप यू नो एक हम ट्राई तो करते ही ना कि भी बड़ी को जहाँ लेके जहाँ भी पॉसिबल हो बड़ी जाता है, बड़ी जाता है, पर फिर भी ऐसी जगह होती है भाई जहाँ पे डॉग नहीं जा सकते, तो क्या आप अपनी लाइफ रोकेंगे उसके लिए? ये पर्सनल थॉट्स हैं, तो इसलिए ना बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोनों स्पीसीज को हमेशा कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर कभी कभी करें और कभी कभी ना भी करें, क्योंकि दे आर नॉट द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे फरहीना खातून का। डिड यू मीट एनी यूट्यूबर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हम तो भाई बड़ी से मिले हैं बस और किसी यूट्यूबर से नहीं मिले हम, बट ये मैं क्वेश्चन आपका ज़रूर लेना चाहता था इस वीडियो में, क्योंकि आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, बिकॉज हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को रीच आउट किया है हमसे कोलैबोरेशन करने का, किसी ने भी हमें रिप्लाई नहीं किया। आई डोंट नो क्यों, या तो हम इतने पॉपुलर नहीं हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं, तो गाइस हमने काफ़ियों को रीच आउट किया हुआ है, पर आई डोंट नो किसी ने हमें रिप्लाई नहीं किया। नाम नहीं लेना चाहते हम लोग, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, और उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, हमने काफी को रीच आउट किया है, पर किसी ने हमें रिप्लाई नहीं किया। इट्स ओके, जब हम बन जाएंगे ना बड़े यूट्यूबर, अब बड़ी भी किसी को रिप्लाई नहीं करेगा। अब बड़ी भी किसी को पूछेगा ना बड़ी को, बड़ी भी नहीं करेगा कोलैब करने के लिए, पर हम भी नहीं किसी को रिप्लाई करेंगे। बड़ी हम भगो नहीं करेंगे, क्यों भी बड़ी इतना क्यूट बड़ी है, किसी कोई बड़ी से कोलैब नहीं करना चाहता। वीडियो चल रही है, सो रहा मुझे से कह रहा मेरी नहीं है ना। ओके, भारतीय डेवलपर रजत सर, आर यू डूइंग प्रोग्रामिंग? बिल्कुल नहीं, आई मीन डू सिक्योरिटी, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आई थिंक वो क्वेश्चन 3 है कि रजत सर इफ़ यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो? मुझे आती है, पढ़ी थी हमने, और कॉलेज में पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी, बट काफ़ी अच्छी आती भी हैं, C++, जावा, और आई थिंक यही मेन है जो मुझे आती हैं, और लिनक्स वगैरह यू नो वो तो, बट ऐसा मैं प्रोग्रामिंग करता नहीं हूँ। अभी क्या कर रही है? आधा नीचे आधा ऊपर चला गया। हाँ, मेरा सिक्योरिटी में काम है गाइस, तो मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम करता हूँ, वो हैंडल करता हूँ। रजत सर, व्हाट्स योर एज? मैं तो शिल्पा की बताऊँ, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, मैं फिर भी बताऊँ क्वेश्चन ही नहीं गिननी पड़ेगी यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। 36।
Okay, next question, guys. Anjana Devi, I'm watching you guys from starting. Please tell me what you think about how do you think about starting a channel? कि ऐसा चैनल स्टार्ट करने का थॉट हमें क्यों आया, कब आया? हमारा ना, हाँ नहीं हमारा या बड़ी का जो भी है, तो हमारा है ना, तो आई डोंट नो, दोनों ही, चलो दोनों हमारा तो इसलिए गाइस क्योंकि आप लोग ही कहते थे कि व्लॉगिंग चैनल बनाओ, व्लॉगिंग चैनल बनाओ, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड थे हमारे व्लॉगिंग चैनल के लिए, तो हमने बना दिया। और बड़ी का क्यों, क्योंकि बड़ी की मस्ती है ना, बड़ी की नॉटिनेस हम लोग आपको दिखाना चाहते थे, हम चाहते थे कि और हम भी वो मेमोरीज अपनी कैप्चर करना चाहते थे ना, कि भी अब हम जब वो वाली पुरानी वीडियोस देखते हैं बड़ी की, तो बड़ा अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कि छोटा सा आया था, मेमोरीज है वो हमारी भी, तो हमें भी अच्छा लगता है कि ना उनको देखना वापस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा बोस, विदिशा कहती है हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर यूट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ी चैनल। तो विदिशा, अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ कैसे चेंज हुई, जब बड़ी की जो मेमोरी हम बनाते थे, तो पहले तो होता था कि हम खुद ही इंजॉय करते, रेडी रहना पड़ता है कि वो मस्ती आप तक पहुंचानी है हमें, कि अब आप भी इंजॉय करो, हम कुछ भी होता है तो हम फटाफट ऐसे सोचना पड़ता है कि अरे रिकॉर्ड कर लो, कि रिकॉर्ड करो फटाफट से, ये ना ये सबको देखना चाहिए ये चीज, तो अब ऐसे चेंज होगी कि वी हैव टू बी रेडी विद माय विद आवर कैमरा ऑलवेज। ओके, अगला क्वेश्चन है शर्लिन तनेजा का, यू गाइस आर प्लानिंग टू चेंज द हाउस एज देयर आर कपल ऑफ इश्यूज हियर, You were house hunting. What happened? Have you shelved that plan? तो शर्लिन फिर से वही चीज़ है कि अभी इस घर में ना लीज कंटिन्यू है, हम लीज ब्रेक करके या किसी और को देना नहीं चाहते, दो तीन महीने की बात है, हमने कहा लीज निपटा लो पूरा, ऊपर से मार्केट यहाँ पे US में थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगी है, तो हमने सोचा आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू वेट, तो अभी दो महीने के करीब वेट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या चलता है, तो अभी के लिए होल्ड पर है वो। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है कोमल सक्सेना का, वेन एंड वाई डिड यू डिसाइड टू ब्रिंग बडी इन योर लाइफ? कोमल, बड़ी वॉज अ पैंडेमिक पपी जब आया था, तो पैंडेमिक में आपको पता ही है सब लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, और हम दोनों ही डॉग लवर्स हैं, मैं भी शिल्पा भी, तो दैट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम, कि हमने सोचा पूरे दिन घर पे ही रहना है, एक पपी लाएंगे और उसकी टेक केयर करेंगे, हमें ये था ना कि अभी तो घर से काम कर रहे हैं तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, यही परफेक्ट टाइम है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है ना कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो फिर वही 8 घंटे अकेला पपी रहता है, तो हमें यही था कि अगर लेना है तो यही बेस्ट टाइम है, कि साथ साथ अपब्रिंगिंग हो जाएगी और फुल टाइम डिवोट कर पाएंगे हम लोग, हां परमानेंट ही हो गया हमारा वर्क फ्रॉम होम, तो बस यही था बड़ी लाने का एक थॉट जो आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरी फ्रेंड फैमिली जो कि डोनाल्ड डक बना हुआ है, तो आई नो आप हमारे अच्छे एक फॉलोअर हैं, बट कभी अपना नाम भी शेयर करें क्योंकि आपका नाम नहीं पता लगता इस फोटो और नाम के थ्रू। What was the first thought that came into mind after meeting each other for the first time for both? जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले तो क्या अच्छा क्या thought आया? मेरा thought था motorcycle। motorcycle भी मिली थी सबसे पहली बारी। मतलब motorcycle लेके गया था मैं और motorcycle चलाता था मैं उस time पे। तो sports bike होती थी मेरे पास। तो शिवा was like motorcycle। और आपका क्या था? और रजत का यही था, देखते रह गए थे रजत। रजत को यकीन नहीं आया अपनी किस्मत पे। और मेरा ये था कि शादी फॉर ग्रीन कार्ड। ओए, जोकिंग, जस्ट जोकिंग। तो आई थिंक सबसे पहला थॉट तो यही था कि देखने में अच्छी लगी लड़की, तो यू नो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स चैट आगे मिलकर। तो गाइज ये था लास्ट क्वेश्चन, और फिजिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, टाइम कंस्ट्रेंट है, ऐसे तो सबके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो यू नो जस्ट पार्ट टू बनाएंगे फ्रीक्वेंटली बनाएंगे, तो अभी के लिए इतनी रखते हैं वीडियो और फिर से लेंगे आपसे क्वेश्चन, और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइज। आज भी आज बड़ी काम आज बैठो, अरे भाई आराम से गुड बॉय आप दिख रहे हो, हम लोग आ गए 36। अच्छा अब तो मिल जरूर बताऊंगा मैं, ओ शिट, पता है ये तो नहीं, क्योंकि अब तो एज डिफरेंस भी बता ही दिया था, नहीं आई थिंक ये नहीं सही है।